ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोटेशियम पर मैग्नेट की काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। और आज के साथ में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि काफ़ी सिंपल है और उसके साथ काफ़ी चौंका देने वाला भी है। तो आप वीडियो लाइक का बटन ठोक दीजिए, हम फटाफट से शुरू करते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें जरूरत होगी पोटेशियम पर मैग्नेट की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, यह मात्र 3% है केवल, और साधारण पानी की। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, इस पानी के अंदर हमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। इस पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल लेते हैं, बस इतनी काफ़ी है, और इसको मिला देते हैं। और ये देखिए कितना पानी कितना कलरफुल हो गया है एकदम। तो सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें डालते ही आप साइंस का कमाल देखिएगा। और अब डालते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखिए, और लेट्स सी, ये देखिए कितनी फास्ट इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी फास्ट रिएक्शन होती है इसके अंदर, कितनी अमेजिंग। पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है जो पर्पल कलर था वो एकदम साफ हो गया है, ये देखिए। और अब इसके अंदर ये पोटेशियम सल्फाइड का सॉल्यूशन बन गया है ये। तो कुछ ये होता है जब पोटेशियम पर मैग्नेट को पानी के अंदर मिलाकर उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड डाली जाती है तो पोटेशियम सल्फाइड का सॉल्यूशन बनकर एकदम तैयार हो जाता है और पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर भी एकदम फाल्ट हो जाता है। तो गाइस यार ये सब कुछ होता है जब पोटेशियम पर मैग्नेट को पानी के अंदर मिलाकर उसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोज काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम पोटेशियम पर मैग्नेट का हमारे चैनल से किस्सा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोटेशियम पर मैग्नेट की काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी है। और आप बताइए कि आपको किस प्रकार की वीडियोज पसंद है, हम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम आगे वीडियोज बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।